नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियो। वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर एग्ज़ाम रिजल्ट की। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इग्नू से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी आपकी छूटे ना। दिसंबर एग्ज़ाम रिजल्ट की पहली अपडेट का इंतजार जो सबके सब स्टूडेंट कर रहे थे, इग्नू स्टूडेंट, तो वो आ चुकी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर से आप इग्नू दिसंबर एग्ज़ाम रिजल्ट 29 की फर्स्ट अपडेट को चेक कर सकते हैं। साथ में ग्रेड कार्ड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रेड कार्ड में आपको अपने असाइनमेंट्स का रिजल्ट और दिसंबर एग्ज़ाम रिजल्ट दोनों के दोनों एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप अपना एग्ज़ाम रिजल्ट देखने के बाद ग्रेड कार्ड का लिंक भी ज़रूर चेक करें और उससे आप ग्रेड कार्ड भी ज़रूर चेक करें। साथ में अगर आपने अभी तक इग्नू का पासिंग मार्क्स आपको पता नहीं है कि इग्नू में कितने नंबर पर आपको पास किया जाता है, तो इग्नू पासिंग मार्क्स के ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखें, जिसमें आप बीए बीकॉम बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन के सभी कोर्सेज और एमए एमकॉम एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी कोर्सेज, साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा में कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं इग्नू में एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इग्नू की पहली अपडेट आ चुकी है, इसके बाद भी अपडेट्स लगातार आएंगी, तो अगर आपका एक या दो एग्ज़ाम का सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आता है तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि दो या तीन दिनों में आपको एक और अपडेट देखने को मिल सकती है और पूरी फरवरी और मार्च में आपको इग्नू एग्ज़ाम रिजल्ट की अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो